हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दी ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो शाम के बजने वाले हैं 5। जस्ट दीप का कॉल आया था कि हमारे भैया यानी राहुल और मतलब मायके से काफ़ी सारे लोग आने वाले हैं, तो मैंने जस्ट आरती को कॉल किया कि आज आओ, सारी तैयारियाँ करनी है। तो चलो दिखाते हैं आपको, देखते हैं कौन कौन। मुझे आइडिया नहीं है एक्चुअली, कोई इंपॉर्टेंट काम था जो कि अभी मैं आप लोगों को जब सब आ जाएंगे, मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं कैमरा उठा पाऊँगी कि नहीं उठा पाऊँगी, बट मुझे पता चल जाएगा ना कि कौन सा काम था, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए, सुबह से लेटी थी। आपको पता ही है कि मुझे टाइफाइड हो गया है, रिपोर्ट मैंने शायद दिखा दी थी इसके पहले वाले व्लॉग में, नहीं दिखाई तो दिखा दूँगी। और चेस्ट में थोड़ा सा इन्फेक्शन है, तो तबीयत प्रॉपर ठीक नहीं है मेरी। ये देखो, देख रहे हो पूरा कट गया, इतना ज़्यादा छाला हुआ है, तो मैं थोड़ा सा बचा बचा के बोल रही हूँ। सो चलो देखते हैं कैसे क्या होता है। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसन लिया गया है, इसमें अब आपको डालना है जीरा और नमक, घोल बनाना है एक्चुअली में। और इसके बाद इसमें आपको थोड़ा सा गरम मसाला डालना है, थोड़ा सा कसूरी मेथी डालना है, थोड़ा सा धनिया पत्ता डालना है, और आप अपने हिसाब से इसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ टर्मरिक भी ऐड कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो चाट मसाला भी थोड़ा सा ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा इसमें हींग डाल दिया गया है, थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स है। इसके बाद इन सबको अच्छे से मिक्स करके घोल बना लेना है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, घोल पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना ही कम। मैं भी आपको यहाँ पर दिखा दूँगी कि किस तरीके का आपका बैटर होना चाहिए। और वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको आज का वीडियो। आवाज़ पे मत जाना, मुझे बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो रखा है, तो आवाज़ आपको थोड़ी सी चेंज लग रही होगी। कुछ इस तरीके का घोल बनाना है, कढ़ाई रख देनी है गरम होने के लिए, और कढ़ाई में भर भर के तेल डालना है, क्योंकि भाई हमें पनीर के पकौड़े तलने हैं। ठीक है, तो घोल हमारा तैयार हो गया। अब पनीर आपको, आप चाहे घर पे दूध फाड़ के बना सकते हैं, या फिर मार्केट से जैसे मैंने लिया उसको लेके टुकड़ों में काट लें। तो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, आप देख ही सकते हो। और अब इसको आपको ऐसे डाल देना है जो आपने घोल बनाया हुआ है उसमें। आरती यहाँ पर चाह रही हैं कि उनका हाथ गंदा ना हो, तो चम्मच की हेल्प से कर रही हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका हाथ गंदा हो जाए, तो आप हाथ की हेल्प से कर सकते हैं। मतलब टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तेल गर्म होना चाहिए और गर्म तेल में आपको डीप फ्राई करना है। कभी कभी ठीक है, लेकिन डेली डेली ना बनाइएगा, नहीं तो पता चला कि भैया आप वेट गेन कर लें बिना मतलब का। ऐसा कुछ नहीं करना है। तो मेरे यहाँ तो बहुत दिन बाद बन रहा है। हम लोग ज़्यादा अभी आप देखेंगे तो ऑयली चीज़ें खाना अवॉइड ही करते हैं, कि जितना कम हो सके उतना ही कम खाया जाए, क्योंकि ये हेल्दी नहीं होता है डेली डेली के लिए। बाकी कभी कभी टेस्ट के लिए तो चलता ही है ना। तो बस गोल्डन ब्राउन होने तक आपको डीप फ्राई करना है पनीर को, और इसके बाद निकाल लेना है। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट में बताना। तो काफ़ी सारा बनाना था, इसीलिए मैंने आप लोगों को इस तरीके से स्पीड बढ़ा के दिखाया हुआ है, क्योंकि कई सारे लोग आए हुए थे, चाचा के फ्रेंड्स थे, इसके बाद मेरी फैमिली में काफ़ी सारे लोग आए थे, बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई वो सारी चीज़ें। तो बस कुछ इस तरीके से निकाल के रख देना है, अब दे देना है सबको गरम गरम खाने के लिए, गर्मा गर्म ही देना है। और चटनी आप चाहें तो जो आती है सेजवान उसके साथ, या फिर धनिया की चटनी, अभी तो धनिया भी आ गया है, सीज़न आ गया है, तो उसकी चटनी बड़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ये है मेरी ममता चाची जो कि प्रिंसिपल हैं, और हमारे घर कुछ बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा है जो कि भी मैं आप लोगों को नहीं बताने वाली हूँ। भाई की शादी को छोड़ के शादी से पहले कुछ है आप लोगों को, मे भी भाभी के ब्लॉग के थ्रू, यूपी ब्लॉगर आराध्या के थ्रू पता चल जाए। तो यहाँ पर मेरा भाई है और दीप बैठे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया, तो वीडियो क्वालिटी आपको अच्छी नहीं दिख रही होगी। तो हम चाची बात कर रहे हैं, प्रत्युष बात कर रहा है, सब मतलब फैमिली में। सच बताओ, मैंने कभी ना ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि मेरी चाची आएंगी। हम लोगों के यहाँ ऐसा होता है ना कि बेटी के यहाँ नहीं जाया जाता, बट वो लखनऊ आई थी काम से, तो फिर बोली कि आ जाओ पलाशियों पे मिलते हैं। तो दीप ने कहा नहीं, पलाशियों पे जाने से अच्छा है कि आप घर पे आ जाओ। तो फिर
भाई ने चाचा को सबको समझाया तो सब आए, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे मिलके सबसे। अब यहाँ पर चाची आई थी आरती से मिलने, और अब चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हैं मेरे छोटे चाचा खुशी के पापा, आपको पता ही है, और ये हैं मेरे ब्रिजेश चाचा, ममता चाची के हस्बैंड। ब्रिजेश चाचा भी टीचर हैं, आपको पता ही है, पहले यहीं हरदोई में ही थे, अभी शायद सुल्तानपुर में है, मुझे इतना श्योर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर छोड़ने आए थे, SCL के पास तक छोड़ने आए थे, क्योंकि ये शॉर्टकट था, नहीं तो हम लोग सोचे थे अगर छोड़ेंगे नहीं चाचा को तो ट्रैफिक में फंस जाएंगे उधर से आते। तो फिर अब हम लोग चाचा को छोड़ के चल रहे हैं घर, क्योंकि बाबू को छोड़ के आए थे नेहा के भरोसे, और वो इतना ज़्यादा शैतान है ना कि पूछो ही मत। तो बस यही था, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेक श्योर लाइक कर दें, लाइक ना ही करें तो कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। ठीक है, कुछ देर बाद आप लोगों से मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, दोपहर के बजने वाले हैं 12, और अब मैं जा रही हूँ प्रत्यूष को ले आने स्कूल से। जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया है, प्लस टाइफाइड है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आईज़ में स्वेलिंग वगैरह आपको दिख रही होगी, बोल नहीं पा रही हूँ, ये देखो ऐसे बहुत ज़्यादा छाले पूरा पड़े हुए हैं। तो मैंने परसों एक वीडियो डाला हुआ था, परसों नहीं, जिसमें नेहा ने रिकॉर्डिंग की हुई थी। मैं सुबह बाबू को छोड़ने जाती हूँ, बाय द वे उस दिन संडे था, मैं हॉस्पिटल गई थी, तो मैंने अभी भी आप देख लीजिए मेरे फेस पे कोई भी मेकअप नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने लिपस्टिक लगाई हुई है, क्योंकि बीमारी में ना आपका चेहरा वैसे ही अजीब सा लगता है, तो लिपस्टिक मैं लगा लेती हूँ ताकि खुद को थोड़ा सा बेटर फील हो। तो उसमें लोगों ने इतना ज़्यादा बवाल मचाया था, इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि घड़ी कौन लगाए रहता है, तो ये देख लो अभी भी मैं घड़ी लगाई ही हूँ। जब मैं सुबह जाती हूँ बाबू को छोड़ने या कहीं भी मैं जाती हूँ, मेरे एक हाथ में ब्रेसलेट है और एक में एक चूड़ी बैंगल और एक वॉच है, तो ये होता ही होता है। तो मैं वैसे ही हॉस्पिटल से आई, हालत ख़राब थी, मैं आके लेट गई थी, तो यार नहीं हुआ मन कि मैं निकाल दूं। और चाय भी रखी हुई थी, आप लोगों ने देखा ही था, मैंने दवा खा के तुरंत चाय रखी हुई थी कि चाय थोड़ी सी ठंडी हो जाए तब पिए। यार आप लोग ना बिन जाने समझे जज कर लेते हो, सच बताऊँ बहुत ही ज़्यादा कभी कभी बुरा लगता है जब आपकी तबीयत ठीक ना हो, लोग आपको जज कर लें तब बुरा लगता है, अदरवाइज़ मैं तो मस्त मौला हूँ, एक कान से सुनती हूँ दूसरे से निकाल देती हूँ। क्योंकि आप हमें बोल रहे हो, हमें मतलब बोल, आप अपना मुंह ख़राब कर रहे हो, हमें तो आके चिपक नहीं रहा है ना, अगर चिपक भी रहा है तो ऐसे झाड़ वाड़ के सब सही कर लेना है। तो 12 बजने वाला है, ये देख लीजिए 10 मिनट बाकी है, तो अब मैं यहाँ से निकलती हूँ, नहीं तो मेरे बेटे को अगर 5 मिनट भी लेट हुआ ना तो रोना शुरू कर देता है। तो बाबू कितना मिनट आज मम्मा को लेट हुआ था? 5-5, 10 उतने में इन्होंने कॉल भी करा दिया, इसके बाद इनके आंसू भी चालू हो गए। नहीं नहीं बंद नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, रो दिए मुझे, मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर 5 मिनट भी लेट होगा तो मेरा बच्चा रोना शुरू कर देगा। आज ही वो सोए, बाकी कोई भी नहीं रोता था ना। एक बार और रोए थे। हाँ, दो बार ही तो रोए थे। इसके बाद अब हम लोग करने जा रहे हैं, तब से चुप हूँ मैं, अब लंच करने जा रहे हैं। लंच में आज है निमोना, रोटी और एक प्याज, हम पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ नई रेसिपी है, एक्चुअली इंस्टेंट थी, मीठी खीर जैसी ही है, तो वो है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। बताओ बेबी, आज बाबू एक आज बोल रहा था रिश्तेदार आते, क्या बोल रहे थे आप? रिश्तेदार जब जाते हैं तो अपनी पोतले से हमें थोड़ा धन दे के जाते हैं, क्या वो 20 रुपए का लल्ली नोट हो, क्या 100 रुपए का कराटा नोट हो, क्या वो 5 रुपए का खतरनाक नोट हो। हम लोग चल रहे हैं लंच करने, क्योंकि 3 बज गया है। 3 नहीं, और बज गए हैं। नहीं, ये मैंने वॉच लगाई हुई है मेरी जान, ये देखो वॉच लगाई है। अरे 2 बज रहे हैं बेबी, 2 बज रहे हैं, 1:52 हो रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा 3 बजने वाला है, मेरे भी काफी से कम बज रहा है। आपने और बोला कि और ज्यादा हो रहा है, सो करते हैं इस ब्लॉग का एंड। रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, सुखा दो, बाय। छोटे बच्चे देखेंगे तो डर जाएंगे आप जो एक्टिविटीज करते हो। अरे सुबह को बाय बाय चले लेते, कमेंट कर दो ना, लाइक कर दो ना, सब्सक्राइब लास्ट टाइम करो, नहीं किया वीडियो नहीं आनी चाहिए मम्मा। अच्छा जी, हाँ ओके, बाय, ठीक, बाय।